अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू निशेस किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी। ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, तो आप इन्हें रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखें, इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 कप यानी 300 ग्राम इमली का पल्प। इमली का पल्प निकालना कैसे है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं ऊपर डाल देती हूँ, आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है इमली का दुगना यानी 600 ग्राम गुड़, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, काला नमक 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून सफेद नमक, 1 टीस्पून सौंठ यानी अदरक का पाउडर। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून किशमिश, खजूर 4 से 5, इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें, 1 टेबल स्पून चारमगज, इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लें। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गुड़ की क्वांटिटी का आधा यानी 1 कप पानी। चला देंगे हम इन्हें। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें लगातार चलाते हुए तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारी गुड़ बहुत अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। ध्यान रहे, इन्हें हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो गुड़ जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ हमारी बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प, चला देंगे हम इन्हें। और अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले, ये अदरक का पाउडर, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, ये गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर देंगे हम इन्हें बहुत अच्छी तरह। और ये देखें, अब हम इसमें डाल देंगे छोटे टुकड़ों में कटे हुए खजूर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे किशमिश, मिक्स कर देंगे हम इन्हें बहुत अच्छी तरह। इसी दौरान हम इसमें डाल देंगे काला नमक और ये सफेद नमक, मिक्स कर देंगे हम इन्हें बहुत अच्छी तरह। और अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चटनी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। ये देखें, चटनी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। हम इन्हें चमचे की मदद से इस तरह गिराएंगे, ये रुक रुक कर गिर रही है, तो हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे रोस्टेड चारमगज, मिक्स कर देंगे हम इन्हें। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही जायकेदार इमली की चटनी बनकर तैयार हुई है। आप इन्हें पूरी, कचौरी या फिर समोसे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये चटनी 3 से 4 महीने तक खराब नहीं होगी, तो आप इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दें और इसे यूज करें। और अगर सर्व करते वक्त ये थोड़ी गाढ़ी लगे तो उस पॉइंट पे आप 1-2 चम्मच पानी डालकर इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर सर्व करें। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।